चार करेंगी या अकेली करेगी? ये देखो भाई, ऑडिटर नहीं है ये, DMX है। अच्छा, ये रुपए की गन है, इंडिया मेड है। अच्छा, 250 रुपए की जो होती है ना, इसमें लोहा पूरी चारों तरफ होता है और जो इंडियन होती है उसमें। आज आए प्रंजल भैया की शॉप पर जो कि पड़ती है लाजपत राय मार्केट, और यहाँ पर हम देखने वाले आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम। प्रंजल भैया की शॉप है इस गली के अंदर, 700 नंबर गली नंबर है, और गली के अंदर चलते थोड़ा सा एक बार लेकर आपको। गली के अंदर जैसे ही जाएंगे, ये गली है अपनी 700 नंबर की, प्रंजल भैया की शॉप पर आए, और ये प्रॉपर गली है अपनी, देख सकते आप इस तरीके से गली है अपनी प्रॉपर। इस गली के अंदर आप जाएंगे भैया शॉप है प्रंजल भैया की, एरी 703 नंबर शॉप है लाजपत राय मार्केट पर। यहाँ पर आपको सारी की सारी मतलब डीजे वगैरह की लाइट्स वगैरह जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, आरओ वगैरह ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो कि यहाँ के और एक बार ओनर है, उनसे थोड़ा मिलता है, डिटेल्स देते हैं। ये प्रॉपर अपनी लाजपत राय मार्केट है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती है अपने पास में। भैया के पास एक बार जो यहाँ के ओनर है उनसे थोड़ा मिलता है, डिटेल्स देते हैं। उसके बाद करता हूँ फाइनली वीडियो को स्टार्ट। देखिए इस तरीके से आप लाइट लेना चाहते हैं, फ्लड लाइट आजकल जो बहुत चलती है शादी वगैरह में, अच्छी लाइटें लगाते हैं आजकल इस तरीके से। यहाँ पर जो यहाँ के जो ओनर है उनसे मिलते हैं, डिटेल्स देते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो भैया, कैसे आप? बढ़िया भैया। तो कहाँ पर आए भैया आज? रंजल एंटरप्राइजेस जी। कहाँ पड़ती है अपनी शॉप भैया? ये 700 नंबर गली में, शॉप नंबर 703, रंजल एंटरप्राइजेस। ठीक है, लोकेशन क्या होगी भैया की, कोई आना चाहता है जैसे? लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक, ये तो मशहूर है दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चीज होती है अपने पास भैया? अपने पास आरओ और लाइटिंग का सामान ज्यादा रहता है। ठीक है, और इवेंट्स का, जो इवेंट्स का सामान जो होता है अपने पास जी। बहुत बढ़िया। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है आपके पास, वीडियो देख के, जैसे कोई दिल्ली से बाहर का, तो उसके लिए क्या प्रोसेसर है भैया? सर वो हमें आइटम का स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा, हम उसे रेट बताएंगे। ठीक है, फिर उसे समझ में आएगा तो हम अपना अकाउंट नंबर भेज दें, वो पेमेंट कराएगा, माल पैक करा के भेज देंगे जी। बहुत बढ़िया, मतलब अपने पास में सारा की सारा एक नंबर का होता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, और कहाँ से स्टार्ट करो वीडियो, और अपने पास क्या क्या आइटम दिखाओगे आज भैया? बेटा लाइटिंग दिखाओ सबसे पहले भैया को। हाँ जी, 60 LED का सबसे पहले हल्का वाला पीस दिखाओ जो बाहर रखा हुआ है। ठीक है भैया, 60 LED, 60 LED बेटे, 60 वॉट है ये, 60 LED, 60 LED का दिखाइए भैया एक बार। ये देखिए, ये वाला होता है अपना 60 LED का जी। ये 60 LED का पीस है। ठीक है भैया, विदाउट कोई BSI नंबर, कोई BSI नंबर नहीं है। ओके, ये इंडिया मेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉपी है 60 LED की, फर्स्ट कॉपी, कॉपी बनाई है इंडिया वालों ने। ठीक है, तो ये माल हम इसलिए रखते हैं कस्टमर को बताने के लिए कि जो हमारे इम्पोर्टेड माल होते हैं हाँ जी, उसके आसपास भी नहीं है। ओके, असल में क्या है कि आजकल बाहर फड़पे लोग हैं ना, ये लेके बैठ गए। हाँ जी भैया, हमसे ही 650 की लेके जाते हैं और हमसे ही मुकाबला करने की सोचते हैं। बिल्कुल, कि ये जो माल है ये वही है जो अंदर वालों के पास है, और सब बकवासबाजी कस्टमर को डाइवर्ट करने के लिए। जी जी जी। तो ये जो माल है ये लोकल है, 650-650 का हमसे ले जाते हैं, और जो हमारे रेट है इम्पोर्टेड माल के उस रेट में से बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तक नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा वो दिखाओ अपने इम्पोर्टेड, सबसे पहले मोटा वाला पीस दिखाना, हैवी वाला। जी एक बार दिखाओ भैया, कौन सा पीस दिखा रहे हो भैया? इम्पोर्टेंट वाला है। हाँ ये इम्पोर्टेड है। ठीक है, देखो इसका है ना, आपको मैं दिखाऊं बेटा? दिखाओ, ये देखो। ओके, ये इम्पोर्ट का निशान है, ये लो भाई, ये रहा इम्पोर्ट का निशान, और रियलिटी में इम्पोर्ट है ये। देखो अब आप दूसरी, इसकी दूसरी और सबसे बड़ी चीज देखो। ये लो भाई, पन्नी पे निशान है यार, ये लोगो जो पन्नी पे बना रखा है कंपनी का। बिल्कुल। ओके, अब आप आ जाओ इसके बॉडी पे। ठीक है, बॉडी भी कितनी प्यारी लग रही, देख लो भाई, ये इंपोर्ट का पूरा साइन है, ये इंपोर्ट हुआ हुआ है मेरा खुद का। ओके, और आप इसकी लाइट देखो। ठीक है, लाइटिंग दिखा रहे हैं भैया, ये देखो भाई, लाइटिंग की बात करूं मैं, देख रहे आप, ये लाइटिंग है इसकी, देख लो भाई, ये देखो फोकस, देख रहे हो लाइट का, देखो आप, इसको बोलते हैं ओरिजिनल 60 LED। ओके, इसमें 36 वोल्ट की सप्लाई, 36 वोल्ट की डिस्प्ले, 36 वोल्ट की ही प्लेट होती है। ठीक है, और 3 वाट का एक्चुअल बल्ब होता है। ठीक है भैया, इनकी वारंटी वगैरह होती है अपने पास में भैया? देखो भैया, हमारी क्वांटिटी अगर निकलेगी तो हम वारंटी देंगे। ठीक है, एक दो पीस की क्या वारंटी का, मतलब जैसे कोई 50-60-100 पीस लेता है तो उनकी वारंटी दोगे? वारंटी देंगे, एक साल की सर्विस देंगे, एक साल की सर्विस देंगे। यह है 60 LED एक्चुअल, इसे बोलते हैं इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड। अब इसी में एक दिक्कत ये आ रही थी कि बॉडी थोड़ी लाइट वेट है। हाँ जी भैया, तो हमें कस्टमर की शिकायत ये आई कि भैया इसकी बॉडी बहुत लाइट वेट है, गिरते ही टूट जाती है। हाँ जी, तो हमने अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का एक और बढ़िया माल मंगाया, वो भी इंपोर्ट कराया। अच्छा, बेटा दिखाओ पीस। वो भी इंपोर्ट कराया जी, दिखाओ भैया एक बार वाला पीस भी दिखा दो। ये देखिए भैया ऊपर से उतार रहे हैं और आपके लिए बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं भैया, हैवी लग रही है। तो ये भी देखो बहुत ज़्यादा, ये लो भाई इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लो भाई जी।
ये देखो भाई हैवी बॉडी में, हैवी बॉडी मतलब इससे गिर विर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओ भाई साहब ये लो भाई हैवी बॉडी, ठीक है ना, क्या हुआ था भैया ने गिरा के दिखा दिए लो भाई। और इसकी लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग भी देख ही लेते हैं भैया, दिखा रहे हैं अभी लाइटिंग भी दिखा देते हैं इसकी आपको। तो ऐसी ऐसी आइटम्स आपको आजकल देखिए आपने, गन वगैरह जो आजकल चलती है शादियों में इस तरीके की आइटम्स वगैरह आपको मिलेगी। और देखो लाइट देख रहे हो आप, ऐसी ऐसी लाइट देखो, रोशनी भी देखो। ये बॉडी बनाई ही हो गई है ताकि माल टूटे नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही रेट है इसका भी और वही क्वालिटी है, बस उससे इम्पोर्टेड से बॉडी हैवी है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पुराना वाला सैंपल दिखाया उससे हैवी बॉडी है। ओके, और लाइट वगैरह सप्लाई बल्ब सब सेम है, ठीक है, मतलब सारी चीज सेम है, बॉडी हैवी है मतलब। और अब की से जो बात आई थी कि भाई आपकी जो है पावर लाइट उस पे इंपोर्ट का साइन नहीं है, ओके, तो अब मैंने इंपोर्ट का साइन मंगा लिया। अच्छा ये देखो भाई इसमें भी आ गया लो इंपोर्टेंट का साइन, जी बहुत बढ़िया, तो ऐसा पैक करके रखो ऐसी ऐसी है आपको, मतलब जो डीजे वगैरह की लाइट्स वगैरह होते हैं इवेंट्स वगैरह में आपको बहुत यूज कर सकते हो, इनको इवेंट के लिए खासकर बनाया जाता है जो है, और हैवी से हैवी है, मतलब अगर आपसे हाथ से छूट भी आते ना आपके कारीगर के हाथ से तो टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, इतनी हैवी हैवी आपको ऐसी ऐसी लाइट्स मिल जाएगी, इसमें अपने पास बड़ी भी होगी छोटी भी होगी सारी क्वालिटीज अपने पास होती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट बताइए क्या दिखाएंगे नेक्स्ट, बेटा 1/4 का पीस लाओ जो बाहर रखा हुआ है, ठीक है, 22 इंच मेटल बॉडी में देखो भैया लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आजकल देखी होगी आपने ऐसी भी बहुत देखी होगी जो अपने स्टेज वगैरह पे लगी रहती है, ये देखिए इस तरीके से, अब ये भी उसी में है, ओके, ये भी वही चीज है सेम बिल्कुल, ठीक है, जैसी सैटेलाइट है वैसी ये भी है, ठीक है, ये भी सेम है बिल्कुल। इसका थोड़ा नीचे स्टैंड का फर्क आ गया, ठीक है, ये देखो भाई ये लोहा बॉडी में इसलिए बनवाई गई है क्योंकि जो सालक वाले होते हैं ना, हाँ जी, उनके टेम्पो पे माल लगता है बिल्कुल, तो जब टेम्पो चलता है तो माल गिर के टूट सकता है, उसमें वो भी टूट सकता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा, ये लोहा है, ये लोहे की बॉडी है पूरी अपनी, मतलब लोहे की भी लाइट सेम है, बस उसमें और इसमें इतना फर्क है कि इसकी बॉडी लोहे की और बड़ी है, उसकी 60 बत्ती है इसमें 54 बत्ती है, ओके, सप्लाई बल्ब वगैरह डिस्प्ले सब सेम है, बस बॉडी का अंतर है, बॉडी का अंतर है जी, मतलब ये, और क्या क्या प्राइस की मिल जाती है, जैसे इसकी प्राइस की बात करें तो भैया इसका प्राइस नॉर्मल एक डब्बे का, सर मैं खुला हुआ माल नहीं बेचता, एक दो पीस वाली मेरे को कॉल ना करें क्योंकि मेरे पास पहली वीडियो बनी थी ना, तो एक पीस चाहिए दो पीस चाहिए वो एक दो कॉल पीस वाले मुझे कॉल ना करें, ठीक है, मेरे मास्टर कार्टून ही होते हैं और मैं खुले हुए पीस नहीं बेचता, खुले हुए पीस वाले बंदे बिल्कुल भी कॉल मत करना भाई, भैया बता रहे कि जो कार्टून में जितने पीस है उतने ही लेने पड़ेंगे आपको, सेम पीस इसका 4 पीस का कार्टून है, ओके, ये एक पीस पड़ेगा 1600 रुपए, 1600 रुपए का, बड़े सस्ते बेच रहे हो भैया 1600 रुपए, ये देखो आप वेट देखो इसका भाई, वेट भी बहुत वेट है भैया इसका, तो बेटा भी है 7x का पीस निकालो, ठीक है दिखाओ भैया और दिखाओ कुछ लेकर आ रहे हैं, 7x का पीस वो रखा हुआ ऊपर देखो, ये देखिए दोस्तों मतलब आपको ऐसी ऐसी एलईडी जो आप डीजे वगैरह की यूज ऐसे छोड़ दो अभी दिक्कत नहीं है कोई बात में लगा ले, जो मेरे पास माल है, हां जी ये हैवी लाइटिंग में ये हैवी माल है, ठीक है, और इसमें तारे भी 4 हैं और ये भी इंपोर्ट है देखो, अच्छा ये भी इंपोर्टेंट है, ये देख लो भाई बिल्कुल ओरिजिनल बिग डी पर 7 स्टार कंपनी, ओहो क्या बात है, ये भी देख लो वो सिंगल वायर है, हाँ जी ये 4 वायर है, अच्छा ये 4 वायर में अपना, ओके, और ये हैवी बॉडी है उससे हैवी है थोड़ी, निशान भी देख लो भाई इम्पोर्टेंट है, इसकी लाइट जो काम वो 4 करेंगी ये अकेली करेगी, ये देखो भाई ओए हो क्या बात है, लाइटिंग में देख लो एक बार दीवार पे, मैं इसका वो कर दूं जी फंक्शन कर दूं, ये देखो भैया बिल्कुल, ये देखो भाई लाइटिंग देख रहे हो पीछे बैक पे देख लीजिए आप कितनी प्यारी है, और ये थोड़ी बहुत हैवी बॉडी है, ये वाली हैवी बॉडी है और उसमें 4 वायर है बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है भैया ये देखो इसका इसका वेट कितना होगा भैया, वेट है भैया 3.5 से 4 किलो और इसमें सप्लाई 36 वोल्ट की लगी हुई है, वेट भी बहुत है इसका, हाँ, और हीटसिंग वाला कार्ड है, ओके, और 3 वाट एक्चुअल का बल्ब है इसमें, ओके, बहुत से लोग इसे 5 वाट कह के बेचते हैं लेकिन ये 5 वाट नहीं होती, अच्छा 3 वाट, 3 वाट ही होती है, 1 वाट का एक कलर होता है रेड ग्रीन ब्लू, ओके, 1 वाट का एक ही कलर होता है जी, बहुत से लोग इसे 5 वाट कह के बेचते हैं लेकिन हम 3 वाट ही कह के बेचते हैं, ओके बहुत बढ़िया, लो बेटा ये भी रखो, ठीक है अब दिखाओ फ्लड लाइट है, सबसे पहले फ्लड लाइट है ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 60 वाट की लगी हुई है, ये वाली है जो ये लगी और इसकी लाइट देखने के लिए, इसकी लाइट देखने दो एक बार, हटो भैया ये देखो भाई लाइट देख रहे हो बाहर तक जा रही है, देख लो सारे सामान पे लाइट जा रही है, ये 60 वाट है अपनी इस तरीके से जी, भैया इसके बारे में क्या बता रहे भैया, ये 60 वाट में ना आजकल क्या हो रहा है कि अडोप्टर जो लग रहा है वो 50 वाट का तो लगा रहा है, ये 60 वाट एक्चुअल नहीं होती, एक्चुअल 50 वाट ही होती है, ओके 50 वाट ही होती है, ओके आजकल वोल्टेज तो 50 वोल्ट दे रहा है डॉक्टर में, ठीक है
लेकिन MH 1500 पूरे नहीं होते। ओके ये हमारे वाले माल में 1500 MH पूरा एडॉप्टर मिलेगा। अच्छा 1500 MH पूरा मिलेगा पूरा। और जो बाहर माल फड़ वाले बेच रहे हैं उनका 800-900 MH का होता है। okay. और वो लोग इसी पे तमन ऐसे लिखवा लेते हैं। हाँ जी इसमें लिखने में कुछ नहीं है, इसको लिखने में और मिटाने में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इंडिया वालों ने इसकी कॉपियां बना दी हैं। ओके तो माल को कूड़ा करने वाले, तो लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप माल को समझो कि माल में क्या कमी है। बिल्कुल माल की नॉलेज नहीं है कस्टमर को भैया, वो आप दे रहे हो 350 की, बाहर तो 300 की मिल रही है जी। अबे उसका माल देखो पहले के उसमें क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज देखो आप, इसका बल्ब देखो, इसकी बॉडी देखो। ओके हैवी बॉडी में, दाने वाली बॉडी में, बिल्कुल हैवी बॉडी में, और देख लो भाई इसकी लीड फ्लैट लाइट। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं भैया बाहर ये रेट, मैं कहता हूँ जा तो फिर उससे ले ले। अच्छा तो बड़ा नुकसान करा ले अपना। बिल्कुल बिल्कुल पता यार, कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा लो पर अच्छी चीज लो, बढ़िया चीज बेटा। चले तमन्ना 120 वाट दिखाओ। ओके दिखाओ भैया, ये देखो कितनी सारी लगी हुई है, देखिए देखिए यहाँ पर सारी दिखाएंगे आपको एक एक करके। ये एक्चुअल 100 वाट है, ये एक्चुअल 100 वाट है। इसमें 50-50 वाट के दो एडॉप्टर है और 1500 एमएच का एक है, तो दो होगा 3000 एमएच जी। और इसमें 120 बत्तियां और बॉडी वही है, हैवी वाली, हैवी वाली। ठीक है 100 कितनी बत्ती है, 120 ही बत्ती है, 120 बत्ती है ना इसमें, इसकी 120 बत्तियां होती है, इसलिए इसको 120 वाट कहा जाता है। वैसे इसका जो एक्चुअल नाम है ना वो ये है 120 लेंस, 120 लेंस, तो इसको 120 वाट कर दिया गया है। ठीक है लो बेटा लगाओ। ठीक है इसी में एक कंपनी और है ए स्टार है, हैवी वाला, ऊपर से उतारो 150 वाट। इनका ही मतलब भाई है। ओके एक तरीके से एक ही बाप की औलाद हैं दोनों। ओके लेकिन इस पे जो ए स्टार वाले हैं 150 वाट लिखवाते हैं। ठीक है समझ गया। और वैसे एक्चुअली क्या है इसका भी, ये भी 100 है, 100 वाट, या तो 100 होती है या 150 होती है या 50 होती है, या तो 100 होती है या 200 होती है या 50 होती है। अच्छा मतलब 150 लिखा रखा है, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा है। 100 वाट है ये, एक्चुअल 100 वाट है, ये भी 3000 एमएच है और इसमें भी दो डॉक्टर दो आर। ठीक है इसकी भी बॉडी सेम है बिल्कुल, तमाम बस नाम का फर्क, फ्लैट लाइट है, हैवी बॉडी जी बेटा, बहुत बढ़िया। 240 वाट दिखाओ तमन्ना। ठीक है 240 वाट, ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, तो मेरे को लग रहा है बहुत बड़े स्टेज वगैरह पे लगती है। हां ये हैवी जगहों पे लगती है, टेंट वाले ज्यादा यूज करते हैं। ओके ये देखो भैया ये 240 वाट है, इसमें पूरी 240 बत्तियां, पूरी 240 और ये है एक्चुअल 200 वाट, 200 वाट। इसमें चार एडॉप्टर हैं, 6000 एमएच है। ठीक है ये देख लो भाई इस तरीके से, और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये जो आप लिखवा भी सकते हो अपना, नहीं ये नहीं लगवा सकता आदमी। अच्छा ये नहीं लगवा सकता, तमन लाइट तो लिख लेगा बंदा। अच्छा। मैं कह तो रहा हूँ कि ये लगाया तो फिर तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो इम्पोर्ट का निशान है ना। अच्छा मतलब ये तमन जो लिखा हुआ है ये लिखवा सकता है, ये लिखवा सकता है कोई भी, ये जो इम्पोर्ट के निशान है ये नहीं बनवा सकता। ये हम लोग ही मंगाते हैं क्योंकि हमारा इम्पोर्ट होता है ना। ओके ये भी हैवी बॉडी में, ये भी हैवी बॉडी, ये भी हैवी बॉडी में। आप इसकी लाइट देखो बेटा, लीड दिखाना जरा, इसकी लाइट दिखाओ भैया, इसकी लाइट देखते हैं एक बार, चेक करते हैं लाइट। ये देखो भाई लाइट जलाना भैया एक बार, ओहो क्या बात है भाई, देख रहे हो ये इसकी लाइट एक्चुअली, जो इसकी लाइट है ये देखो, और 200 वाट होती है, और इसको जितना फैलाव मिलेगा, जितनी जगह मिलेगी ये उतनी लाइट को खोलेगी अपनी। अच्छा अच्छा इसमें लेंस ऐसा लगाया रखा है कि जगह अगर कम है ना जी, तो ये आंखों में नहीं चुभेगी, अपने आप लाइट को ये अब्सॉर्ब कर लेगी, अब वो आंखों में नहीं चुभ रही ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये देखो भाई इसमें वॉर्म का पीस उतार बेटा, एक इसमें येलो कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है। वॉर्म यानी ये होता है कोल्ड व्हाइट यानी ठंडा व्हाइट, ठीक है सिंगल व्हाइट। ओके और ये होता है वॉर्म व्हाइट यानी गरम व्हाइट, पीला कलर। ओके पीला कलर ये टेंट पर इसलिए लगाया जाता है, जैसे कोई किसी ने लगाया 50 पीस अपने एक टेंट में जी, तो 10 पीस ये वाले लगाता है ताकि मधुमक्खियां ना आए या मक्खियां ना आए, मच्छर ना आए। ओके ये ना इतना गर्म कर देता है उस चीज को कि मच्छर मक्खी भागते हैं इसकी कलर से। Okay. तो जो हमसे 50 पीस व्हाइट के लेता है तो 10 पीस वॉर्म व्हाइट के भी लेता है। अच्छा। क्योंकि ये मच्छर मक्खियों को भगा देता है जी। ये देखो लाइटिंग देख लो, ये देखो ये भी मतलब आंखों में नहीं चुभ रही है वॉर्म है, ये भी अपना आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है, देखो आंखों में बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है इस पर लेंस लगाया इसीलिए। ओके okay. ठीक है तो ये फ्लड लाइट है बेटा, वो देखो भैया एक okay. तो मेरे पास ये ऊपर चल रही है 50 वॉट। ठीक है ये स्काई गोल्ड गारंटी में है। ओके ये माल गारंटी में, ये कंपनी की तरफ से गारंटी आती है, कंपनी तरफ से ही है, क्योंकि बहुत से कस्टमर आगे हमसे ये कहते हैं कि भैया आप ये जो रेट लगा रहे हो हमें, हमसे गारंटी हटा दो और
रेट कम कर लो। हाँ जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कंपनी ही गारंटी देती है। ओके। और ये खोल भी नहीं सकता, आम आदमी इस पीस को खोल नहीं सकता। अच्छा, पीस खुल नहीं सकता है। ये कंपनी में ही जाके खुलेगा, हम लोग नहीं खोल सकते, कस्टमर अच्छा। क्या खोलेगा। हाँ, ये नहीं खुल सकता क्योंकि इसमें ना कहीं देखो पेंच है, ये मशीन से लगा हुआ है, मशीन से ही खुलेगा। ओके। तो इसकी गारंटी 1 साल की होती है। ओके। और ये एक्चुअली में कितनी होती है भैया? ये एक्चुअल 100 है। 50 वॉट इसकी ऊपर चल रही है, 50 ऊपर लगा रखी है, देखो उसकी रोशनी है पूरी दुकान में। और ये 100 है एक्चुअली जो भैया बता रहे हैं, ये देख लो भाई इसकी रोशनी भी आप देख सकते हो, ये देखो भाई देख रहे हो ये रोशनी है इसकी, ये देख लो भाई एक्चुअल है ये भी, और ये भी मतलब आंखों में इतना नहीं चुभ रही है, ये एक्चुअल 100 वॉट एक्चुअल 100 है जी। ओके। ये पीस की लाइफ उससे इन सब मालों से 4 गुना है। ओके। जैसे अगर वो 2 साल चल रहा है तो ये 8 साल चलेगी। ठीक है, इसकी लाइफ इतनी है। कस्टमर सोचे कि मैं बहुत से कस्टमर मेरे होते हैं जो अडॉप्टर मंगाते हैं मुझसे कि भैया अडॉप्टर भेज दो। ओके। मेरा माल खराब हो गया तो मैं उसे इसका अडॉप्टर भी नहीं भेज सकता हूँ, ये तो कंपनी ही जाएगी, वहीं से चेंज होके रिपेयर होगा, आपके पास ही लेके आनी पड़ेगी इसको, कंपनी से ठीक हो जाएगी। ये कंपनी से अगर आप खुद उंगलबाजी करोगे तो बेकार है। नहीं होगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं पीस, खुलेगा ही नहीं। ये कंपनी की मशीन ही खोलेगी इसे। अच्छा, लो बेटा लाओ जी। ओके। अब दिखाओ भैया को इवेंट का सामान, सारा इवेंट का सामान दिखाओ भैया। कोल्ड फायर के दोनों सैंपल उठाओ। ये कोल्ड फायर है। ओके। ये दो टाइप का कोल्ड फायर है, देखो एक तो ये है नॉर्मल इंडिया मेड, ठीक है, ये बम के बारूद से बनता है। ओके। तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते क्योंकि फट भी जाता है यूज करते हैं। ओके। और ये जो है ये केमिकल से बनता है, ये चाइना से इम्पोर्ट होता है, ब्लैक कैट ओरिजिनल चाइना की कंपनी है। और ये हम बेचते हैं, ये हम इसलिए रखते हैं दिखाने के लिए कस्टमर को कि भाई तुम लोग जो बाहर से ले रहा हो वो ये माल है, और मेरे पास ये माल है इम्पोर्ट हुआ हुआ चाइनीज माल है, ये फटेगा नहीं, ये फटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। जितने पीस इसके बंद निकलेंगे सब रिटर्न आएंगे, फटेगा नहीं, अगर बंद निकला तो सब रिटर्न वापसी हम ले लेंगे। अच्छा, रिटर्न ले लेंगे वापसी। ये ओरिजिनल कोल्ड फायर है। ओके। और ये बम के बारूद से नहीं, केमिकल से बना, केमिकल से बनता है, ये फटता नहीं, ये बम के बारूद से बनता है। तो भाई ये फटने का इसका पूरा चांस होता है, ठीक है, और इसका फटने का चांस नहीं होता क्योंकि केमिकल से भैया बता रहे हैं। जैसे भैया इसको कोई पन्नी को अगर छेद कर लेता है फट जाता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तभी ले लोगे रिटर्न? हां, कोई बात, क्या बात है, फटेगा नहीं, मतलब ये खराब नहीं होता क्योंकि अगर ये खराब हुआ भी तो हमें कंपनी दोबारा रिटर्न करके दे। तो भैया ये पूरा एक डब्बा मिलता है? ये पूरा एक डब्बा मिलता है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मास्टर कार्टून ना। ओके। ये 6 पीस का एक डब्बा है, ठीक है, और 180 पीस का मास्टर कार्टून होता है। मास्टर, अभी मैंने एक वीडियो बनवाई थी तो बहुत सारे लोग मुझे एक एक दो दो पीस के लिए कॉल कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, कि भैया एक कोल्ड फायर का डब्बा भेज दो। हाँ जी। तो ये एक दो पीस तो हम यहाँ दुकान पे नहीं बेचते। अच्छा, तो फिर अब वो ये अपना होलसेल का काम है ना, कहने का मतलब है मास्टर कार्टून अपने जाएंगे। हाँ, हाँ, एक दो पीस डब्बे नहीं मिलेंगे, 180 पीस का मास्टर कार्टून है, ठीक है। ओके जी, और क्या दिखाएंगे भैया? ये नॉर्मल मार्केट में बिक रही है, देखो। हाँ जी भैया, ये 250 रुपए की गन है, इंडिया मेड है। अच्छा, 250 रुपए की है, इंडिया मेड है बेटा। अपनी इम्पोर्टेड वाली दिखाओ, इम्पोर्टेड वाली दिखाओ। ये लो भैया, ये मैंने इम्पोर्ट करा रखी है भैया, आप इसको हाथ में लो और उसमें फर्क देखो खुद। ये भैया हैवी है, इसके सारे जो वो है ना पार्ट सब अलग हो जाते हैं पेज खुल खुल के। अच्छा, और इसमें बैटरी लगती है, ये सेल पे नहीं है। ये पीस है 2500 रुपए का। ओके। ये 250 का, ये 2500 का, ये क्या बात है, ये 10 गुना फर्क। तो भैया ये चीज हैवी है ना, चीज हैवी है, तो और ये नकली चीज है, ये हैवी चीज है। हाँ। इसमें कोल्ड फायर फट भी सकता है क्योंकि ना सेल की जो रेंज छूटती है ना। हाँ जी। तो कोल्ड फायर के तार मिल जाते हैं। ओके। तो जब तार मिलते हैं तो फटता ही फटता है, इसमें ना रेंज नहीं छूटती क्योंकि सेल नहीं होता, रेंज बनी रहती है। तो ये 2500 रुपए का पीस है, लेकिन ये ओके। रेट देखो भैया, चीज जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। बिल्कुल भैया, ये हटाओ यहाँ से सब। ये क्या भैया, पेटी, ये क्या भैया, ये कोल्ड फायर की मशीन है। ओहो, क्या बात है, ये लो भाई मशीन है, देख लो एक बार, जो कोल्ड फायर नीचे आप जमीन पे रखते हो, और रिमोट कंट्रोल है पूरी की पूरी। ये देखो, ये 8 पीस का सेट है, ठीक है, और ये चार्जिंग वाला है, पूरी मार्केट में चार्जिंग वाला सेट कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चार्जिंग वाला है, ये मैंने खुद बनवाया अपने लिए क्योंकि मेरे कस्टमर के सेल खो रहे थे। हाँ जी भैया। तो वो कह रहे भैया सेल खो गए, ये देखें आप, ये मैंने अपना मंगवाया, चाइनीज लिखी हुई है, इम्पोर्ट हुआ। ये आपने अपना खुद का बनवाया, और चार्जिंग हो जाती है, चार्जिंग वाला, ये देखो एक बार में चार्ज होंगे, चार रिमोट एक बार में चार्ज होंगे। ये लो, और ये जो है सबसे बढ़िया बात है, इसका एक रिमोट देखो, एक रिमोट तो इसका है मास्टर, जिसमें 8 के 8 एक साथ चलेंगे, ठीक है, और एक ये रिमोट है जिसमें जैसे हमने ए प्रेस करा जी, तो ए के दोनों चलेंगे, बी प्रेस करा तो बी के दोनों चलेंगे, सी करा तो सी के दोनों, डी करा तो डी के दोनों। अच्छा, ऐसे भी ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे लगता है।
अच्छा बेटा मटका लाओ। ओके, और ये देख रहे भाई एक मतलब पेटी में दे रखा अपने, सेफ्टी पूरी पूरी है इसमें, ये देख रहे हो आप सेफ्टी पूरी। ये क्या प्राइस का होता है ये, जैसे इसका प्राइस? इसका प्राइस 4,500 रुपए। 4,500 रुपए और इसमें 12 सेट का भी मिल जाएगा, वो भी चार्जिंग वाला। ओके, और तो वो भी ऐसी पेटी में आएगा भी? हाँ सब पेटी में। अच्छा, 24 वाला भी मिल जाएगा और 20 वाला भी। ठीक है, अब क्या दिखा रहे भैया नेक्स्ट? ये है मटका, देखो भैया। ठीक है, ये देखिए ये मटका क्या काम आता है भैया? ये लो फॉग मटका है। ओके, ये भी दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे लगता है, वो जिसमें भाप भाप निकलती है भैया वही है क्या? लो फॉग मटका 1 फुट से ऊपर इसका धुआं नहीं उठेगा। अच्छा, लो फॉग यानी जमीन पर रहता, जमीन पे और रहता है, 1 फुट से ऊपर नहीं उठेगा। ओके, अब आप देखो इसका स्टैंड, ये लो हैवी स्टैंड, मार्केट में जो बिक रहा है ना उसमें सिंगल स्टैंड लगा हुआ है पत्ती का। हाँ जी भैया, जो मोड़ने वाली पत्ती होती है ना आप इसे मोड़ नहीं सकते, एल्युमिनियम से बनवाया है ये भी मैंने अपना बनवाया है। अच्छा, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्ट उसका है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी है। ये अपना खुद फैक्ट्री में बन रहा है। ठीक है, और मटके का वेट देखो आप, मटके का वेट भी हैवी वेट है। इसके साथ में लीड भी देता हूँ। अच्छा, और फूल भी हैगा। ओके, पन्नी भी चढ़ी हुई होती है और डब्बा भी मोटा वाला। इसका डब्बे में आता है, प्रॉपर डब्बे में आएगा ये। ठीक है, इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस 750। और पेटी में कितने पीस होते हैं ये? सिंगल पीस की। अच्छा, सिंगल पीस, सिंगल सिंगल पीस, सिंगल सिंगल, ये चाहे जितने ले लो। अच्छा, ये सिंगल पीस होता है, तो फिर भी क्वांटिटी में लेके जाएंगे, सिंगल पीस का क्या रहेगा? हाँ, एक आध पीस तो मैं मतलब भेजने वाले को बाहर, एक आध पीस नहीं, इसका जो मटका जाता है हमारा बाहर 12 पीस से कम नहीं जाते हैं। उसकी वजह ये है 6 पीस का एक पार्सल बनता है, 6 पीस का एक पार्सल। ओके, 6-6 12 हो जाते हैं, 6-6 12 हो जाते हैं, 12 पीस से कम नहीं भेजते। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चीज होती है बेटा? वो बबल। अच्छा, बबल मशीन है। ओके, ये भी इवेंट पे लगती है। ठीक है, इसको इसको ओपन करके दिखा रहे, ओपन करके भी दिखा रहे आपको। ये बबल मशीन है जो आपने देखे, वो बच्चे बच्चे पार्टी वगैरह जो होती है उनमें बबल वगैरह जो निकलता है वही मशीन है। घर की पार्टी में भी यूज कर रहा है आजकल लोग इसे बहुत। ठीक है, ये देखो प्रॉपर दिखा रहे हैं। ये भी मेरी अपनी इम्पोर्ट है, ये भी इम्पोर्ट अपनी है। ये देख लो हैवी है, और ये भी देख लो बहुत हैवी है जी। ये देखो इम्पोर्टेड लट्टू। ओहो क्या बात है, हैवी में लगा रखा है। नहीं तो पेज दे देते हैं। हाँ, पेज देते हैं, छोटा वाला पेज दे। ये इम्पोर्टेड माल होता है, वो इम्पोर्टेड ही होता है। ओके, और फुल मेटल में। ठीक है, और जो ये चाइनीज जो होती है ना इसमें लोहा पूरी चारों तरफ होता है, और जो इंडियन होती है उसमें आधा नीचे प्लास्टिक होता है ऊपर से लोहा होता है, वो खाली उसकी नकल में बना देते हैं। ये है बबल मशीन, इसमें से बबल निकलेंगे। ओके, यहाँ पे लिक्विड डलता है। लिक्विड भी आप ही देते हैं आपके पास? हाँ, लिक्विड मेरे पास ही मिल जाएगा, तीनों चीजों का लिक्विड, तीनों का, बबल का और स्मोक का। इसमें लिक्विड डाल देंगे और इसे घूमता रहेगा जैसे ऐसे करके, तो उसमें बबल निकलेंगे। बबल निकले जी। और ये क्या प्राइस का होता है भैया? ये प्राइस इसका 750। और पेटी में कितने पीस है भैया? ये भी सिंगल पीस है, सिंगल पीस है, लेकिन 12 से कम ये भी नहीं भेजेंगे, अगर बाहर भेजेंगे। अच्छा, बाहर भेजेंगे तो 12 से कम ये भी नहीं है जी। बहुत बढ़िया, ये देखिए। ठीक है भैया, और क्या चीज अपने पास? स्मोक मशीन 1500 वाट एक्चुअल। ओके, ये प्रॉपर आपको इस तरीके की पैकिंग आएगी। सबसे पहले आप इसका ये देखो, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है भैया खुद की। ये भी हैवी है, ये भी हैवी लग रहा है भैया। ओके, और इसकी वायर मिलेगी आपको साथ में, और ये स्मॉल मशीन है, ये देखिए। ठीक है, और इसके आप देखिए ये चीज भी हैवी हैवी चीजें लगा, ओरिजिनल बिट्टी पर 7 स्टार। ओके, पूरे 7 स्टार हैं, देख लो, ये देख लो, ओरिजिनल बिट्टी पर का पीस है। ओके, पूरे 1 किलो का वो है। अच्छा, पूरे 1 किलो का ही? ठीक है, लिक्विड टैंक पूरा 1 किलो का। अच्छा, पूरा 1 किलो का लिक्विड टैंक है, इसका लिक्विड ही मिल जाएगा आपके पास? सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, ये देखिए स्मोक गन है ये, और ये भी अपना हैवी में 1500 वाट एक्चुअल है, 1500 वाट। ठीक है, ओके जी, और ये क्या प्राइस की होती है भैया? इसमें देखो ये है ना, एक इसमें डबल रिमोट भी आती है। ठीक है, ये तो सिंगल रिमोट है क्या? खाली जो है ना इसको सेंसर को लगाया और 12 फीट से बैठ के इसको ट्रेस करा, कंट्रोल कर लिया। तो एक हमने डबल रिमोट वाला मंगाया, असल में क्या होता है कस्टमर का ये खो जाता है जी, वायरलेस खो जाता है। ओके, तो अब हमने एक वायर रिमोट भी दिया है, वो हैवी है लेकिन। अच्छा, वो 2000 वाट की स्मोक है, उसके रेट है 6000 रुपए। 6000, और इसकी रेट क्या बता रहे हो? 3500 रुपए। तो ये फॉग मशीन भी अपने पास में मिल जाती है, जो आपने देखा होगा इवेंट वगैरह में डीजे वगैरह पे लगी रहती है, जो की फॉग निकालते है पीछे से। ये उस तरीके की लाइट है जो एक डीजे पे और इवेंट में आपने जो नीचे की साइड में से फॉग निकलते हुए देखा है, ये वो मशीन है। ये दिखे भी नहीं और फॉग भी निकल रहा है। फॉग भी निकल, बिल्कुल। लो बेटा इसे पे। और क्या दिखाएंगे भैया? चैनल। ओके, 512। ठीक है, और ये क्या काम करती है भैया? ये लाइट कंट्रोलर है। लाइट कंट्रोल, जितनी भी लाइट हम यूज करते हैं सबको, ये सबको कंट्रोल कर लेती है। तो ये वाईफाई से होती भी है या कैसे? नहीं नहीं नहीं, बिजली से चलता है। बिजली से चलता है कंट्रोल, तो भैया ब्लूटूथ या वाईफाई से चलेगा तारों से? ये तो पार, ये जो है ना, अभी मैं आपको दिखाऊं भैया एक बार इसको। ये इसके
लीड है ना, ये एक लाइट से कनेक्ट कर दो और बाकी उस लाइट से सारी लाइटें कनेक्ट कर दो, वो पैच होती हुई चलेंगी। हर 20 लाइट के बाद स्प्लिटर लगता है जो रेंज को पकड़ता है। बिल्कुल, तो ये स्प्लिटर नहीं है, ये डीएमएक्स है। अच्छा, ये सारी लाइटें कंट्रोल करती है आप। ये देखिए सारी की सारी लाइटें जो है, इसके रेट है 1800 रुपए। ओके, और इसमें 18 लाख तक का आता है। अच्छा, डीएमएक्स कंट्रोलर 18 लाख तक का आता है, जिसको ग्रैंड मा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये एक्चुअली आपके लिए सस्ता दे रहा है, जो लोगों के जो लोगों का बजट नहीं हो पाता, छोटी मोटी पार्टी करते हैं ना, जो मतलब छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह में जो कंट्रोल करते हैं वो इससे होती है। जो बड़े हैवी डीजे होते हैं उनपे वही लगता है ग्रैंड मा। 18 लाख रुपए। 18 लाख। तो ये देखिए ये अपना कितने का होता है भैया? ये 1800 रुपए। 1800 रुपए का। ये देखो भाई 1800 का 18 लाख का भी आता है। 18। बिल्कुल, ये जितनी भी आप लाइट देख रहे हैं डीजे के सामने दिख रहे हैं आपको लाइटें, और भी जो हमने दिखाई है लाइटें, ये सारी एक इसमें तार लगा दो, सारी कंट्रोल कर सकते हो जी। ओके, और अपने पास और क्या क्या चीज होती है भैया, वैसे ही बता दीजिए। और हमारे पास मूविंग हेड वगैरह सब कुछ मिलता है, मतलब डीजे का सारा सामान मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको आइटम दिखाता रहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक करके हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। बाकी आप शॉप पर आओ, विजिट करो अपनी दुकान भैया, कहाँ पड़ेगी अगर लोकेशन बताइए भैया प्रॉपर। 703 नंबर दुकान है हमारी और 700 नंबर गली है, एटीआई प्रो वालों के सामने। ओके जी, बहुत बढ़िया। और शॉप का नाम क्या होने वाला है भैया? रंजर एंटरप्राइजेस। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।